हेलो एवरीवन, माय नेम इज निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट एट फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो ये जो मेरा वीडियो है यूपीएससी सेगमेंट का है, तो इसमें मैं क्या एक बुक रिव्यू करूंगा आपके सामने, जो काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि उस बुक के बारे में। इस बुक के बारे में मैंने एक साल पहले रिव्यू किया था आपको पता, लेकिन काफी छोटा रिव्यू था और उतने अच्छे से हुआ नहीं था उस टाइम पे। तो इस वीडियो में मैं क्या है कंप्लीट रिव्यू करूंगा इस बुक के बारे में। और बुक ये है दृष्टि जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दृष्टि आईएएस की बुक है ये, आप देख सकते हैं इसको। तो इस बुक का मैं कंप्लीट रिव्यू करूंगा। और इसके साथ एक और बुक है प्रैक्टिस के लिए, जनरल साइंस की बुक है दृष्टि की, तो इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसका काफी लोग मुझे पूछ रहे थे प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा किस एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा एग्जाम है जो इससे आपका कवर हो जाएगा। मतलब ये कि इस बुक को अगर आप पढ़ते हो, इस बुक पे रिलाई करते हो, तो कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन है इंडिया में जो आप आराम से दे सकते हो। तो मैं बता दूं कि जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है कंप्लीटली आप इस पर रिलाई कर सकते हो, अगर आईएएस के एग्जामिनेशन की बात छोड़ दूं तो। लेकिन उस पे भी आप काफी हद तक जो है रिलाई कर सकते हो इस बुक पे। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, जब मैं इसको दिखाऊंगा आपको, रिव्यू करूंगा कंप्लीटली, जब इसके अंदर का कंटेंट दिखाऊंगा, तो आपको खुद पता लगेगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं। और मैं खुद इस बुक को रिलाई करता हूं, और मैंने काफी टाइम से इस बुक को पढ़ भी रहा हूं, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये जो बुक है काफी यूजफुल है। और आपको एक जगह पे सारे मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं सब कुछ दिया हुआ है इसमें। एक आपको कहीं पे भी लूसेंट या इस तरीके के बुक को आप अगर नहीं भी करते हो, रटने वाला जैसा कॉन्सेप्ट होता है कुछ लोग मतलब रटने, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इस तरीके से। तो मैं चलिए दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले बता दूं इसमें चैप्टर कौन कौन से है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी साथ में दिया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इसको, आप इसको देख सकते हैं, ये कंटेंट है इसका। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या क्या कंटेंट में दिया हुआ है, या फिर इसका मैं ऑलरेडी रिव्यू डाल चुका हूं ऑलरेडी। तो सबसे पहले इसका प्रेजेंटेशन देखो कितने अच्छे से दिया हुआ है, बिल्कुल टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, चार्ट में दिया हुआ है, और बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग बुक है काफी, और कंटेंट भी बहुत अच्छा है। जितना इसका अच्छा प्रेजेंटेशन है, उससे अच्छा इसका कंटेंट है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितना बढ़िया कंटेंट है, कितना रियलिस्टिक है, और एरर कुछ भी नहीं है इस बुक में। मैं इस बुक को काफी 5 से 6 बार पढ़ा हूं, लेकिन मुझे कभी एरर नहीं लगा, और बिल्कुल रिलाई कर सकते हो। क्वेश्चन यहां से आते हैं, एग्जामिनेशन में भी आपको दिखेगा। तो इस बुक को देख सकते हो आप कि प्रेजेंटेशन कितना अच्छे से दिया हुआ है इस बुक का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस बुक के बारे में ये है ना कि जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है, तो इसके लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अच्छे से आपका कमांड हो सब्जेक्ट के, साइंस के ऊपर और साइंस एंड टेक के ऊपर, तो साथ में प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज करके बुक आती है दृष्टि की, आप इसको ले सकते हो। इसका ये फायदा हुआ कि इस बुक में जो चैप्टर्स है ना, उसी के बेसिस पे इसमें चैप्टर्स दिया गया, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, देखो किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, और प्रीवियस ईयर इस जैसा है कि इसमें आईएएस का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें सीएपीएफ का भी मिलेगा, इसमें सीडीएस का भी मिलेगा, इसमें स्टेट पीसीएस का भी मिलेगा, इसमें यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या कि काफी हेल्पफुल है, और पिछले 5-10 साल का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा अगर आप इस बुक को देखते हो तो। और सबसे अच्छी बात है कि इसका एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से दिया हुआ है, मैं काफी रिव्यू कर चुका हूं और भी हिस्ट्री पॉलिटी के बुक्स का, तो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन इसका किस तरीके से दिया रहता है। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखना, और काफी बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ते हो, इसको बनाते हो, तो आपका एक कमांड आ जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इस तरीके का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप लूसेंट सॉल्व करते हो, वहां पे भी इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, और वो काफी पुराना मतलब हो चुका है, काफी मतलब 1998 के क्वेश्चन अभी उसमें मिल रहे हैं। तो जो ट्रेंड है ना अभी, जैसे एग्जामिनेशन का जो शिफ्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस बुक में क्वेश्चन मिलेगा। और ये पब्लिसिटी नहीं है, जस्ट मैं मुझे पसंद आया तो आप इसको देख सकते हो। और इस बुक में अच्छी बात यह है कि इसमें सारे स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो यूपीएससी करवाता है या फिर स्टेट पीसीएस, उसके क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है।
तो आप क्या है कि इस बुक को अगर करते हो तो आपको एक पैटर्न का भी आइडिया लगेगा कि आपका एग्जामिनेशन में क्या डिमांड है, मतलब आपका जो एग्जाम है उसको वो क्या डिमांड कर रहा है सब्जेक्ट से, तो इस मतलब बुक से आप उसको फुलफिल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि क्या है नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।